नमस्कार, बीसीएन न्यूज की हिंदी बुलेटिन में मैं क्षितिजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिगरा शहर के बाढ़ पीड़ितों को सर्वे के बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से मदद निधि के चेक वितरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन स्थानीय हिंदनगर के बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन द्वारा किए गए सर्वे की प्रक्रिया दोषपूर्ण करार देते हुए अपना रोष व्यक्त किया है। आइए देखते हैं क्या है ये मामला। बाढ़ प्रभावित इलाकों में से एक हिंदनगर के बाढ़ग्रस्त नागरिक स्थानीय प्रशासन के सर्वे से नाखुश है। उनके मुताबिक धावंडा नदी से सटे इस इलाके में हर बार बाढ़ से उनका बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। इस बार भी बाढ़ की त्रासदी में उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है और ऊपर से प्रशासन की ओर से झटपट तरीके से निपटाया गया सर्वे उनके लिए राहत नहीं बल्कि आफत का सबब बन गया है। मैं हिंदनगर रहवासी पूर्व पीढ़ी 2005 पासून आतापर्यंत आम्ही एवढे जे लोक आहे हिंदनगर मधले सर्व पूर्व पीड़ित आहे, परंतु आमचे नाव लिस्ट मध्ये आलेले नाही 50-60 लोकांचे। याच्यासाठी आम्हाला सरकारने मदत करावी। आम्ही सर्व पूरग्रस्त आहे, आमचे नाव आजच्या लिस्ट मध्ये आलेले नाही। आमच्या घरातून पाणी गेलेले आहे आणि त्या दिवशी फुटू काढून नेले, पण आमचं यादीत नाव नाही आलं, आम्हाला काही भेटलं नाही। आम्ही पूरग्रस्तच आहे, पण आम्हाला यावेळेस काहीच मदत झाली नाही, कारण आमच्या लेकरांची पुस्तकं पूर्ण नुकसान झालेलं आमचं, पण आम्हाला कोणतीच मदत झालेली नाही। म्हणून आम्ही प्रशासनाला अशी विनंती करतो की आम्हाला काहीतरी मदत करा। म्हणून इस बार आई प्रलयकारी बाढ़ से हुए बेतहाशा नुकसान के बाद इन लोगों को सरकारी सर्वे को अंजाम देने वाले स्थानीय प्रशासन से उम्मीदें थी, लेकिन सर्वे करने वाले कर्मचारियों ने आनन-फानन में सर्वे का काम निपटाया, जिसके चलते हकीकत में जो बाढ़ पीड़ित हैं उनका लिस्ट में नाम नहीं आया है। वे लाभ से लगभग वंचित हो गए हैं और जिनका कोई नुकसान नहीं हुआ उनके नाम चेक जारी हो चुके हैं। इन लोगों ने दोषपूर्ण सर्वे को अंजाम देने वाले कर्मचारियों पर अपने परिचितों का लाभ कराने का आरोप करते हुए लाभार्थियों पर अन्याय करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग तक कर डाली है। मी रमेश कटकर, हिंदनगर पालेश्वर मंदिर जवळ नदी काठचाच भाग आहे। नेहमी पुराचा त्रास असतो, पण एवढा कधी झाला नव्हता। 2006 नंतरचा हे पहिलाच पूर आहे आणि खरंच या पुरामध्ये आमचं एवढं नुकसान झालं, पण प्रशासनानं जे नेमणूक केलेले जे कर्मचारी होते यायनं याच्या जवळच्याच लोकायले वरचे असो का खालचे असो यायनं त्या लोकांवर मदत केली काय, आणि खरंच लाभार्थी होते। या लाभार्थ्याला कोणताच लाभ भेटला नाही आणि संबंधित कर्मचाऱ्यावर कारवाई करून आणि बाकी जे भेटलेल्या लोकांवर FIR दाखल गव्हर्नमेंटनं करावं, हे माझी एक विनंती आहे। आमच्या घराशेजारी नदी आहे, धावंडा नदी म्हणून, दरवर्षी पूर येत होतो। 5 आला होता आणि 17 आला आणि आता सुद्धा आला, पण आम्ही पूरग्रस्तांमध्ये सामील आहोत। आमचे दरवर्षी नाव असतात, पण यावर्षी आमचे नाव कट केले, सर्वे झाले त्याच्यातही नाव होते, पण आता ते चेक आला ना त्याच्यामध्ये आमचे नाव कट करण्यात आले, पण आता त्या कर्मचाऱ्याने आमचे नाव टाकून आम्हाला आमची मदत मिळाली। हालांकि सूत्रों ने बताया कि बाढ़ से जुड़े सर्वे का काम खत्म हो चुका है। बाढ़ पीड़ितों की लिस्ट काफी लंबी है, इसलिए चेक वितरण में समय लग रहा है। एक तरफ प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को नियमानुसार उनके नुकसान की भरपाई हर हाल में देने का आश्वासन दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लगभग सभी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के बाढ़ से प्रभावित लोग सर्वे की प्रक्रिया से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। देखना होगा कि आगामी दिनों में कथित रूप से लाभ से वंचित बाढ़ पीड़ितों को न्याय मिल पाता है भी या नहीं। इन दिनों दिगरस शहर में नदी किनारे वाले जो लोग हैं उनमें एक बड़ी समस्या आ पड़ी है। उनका ये कहना है कि जो सर्वे यहाँ के प्रशासन ने किया था, यहाँ के जो कर्मचारी थे, जैसे हिंदनगर में आए थे, मोतीनगर और बाकी जो चमनपुरा जैसा इलाका है जो बाढ़ पीड़ित इलाका था, वहाँ पर कर्मचारियों ने सर्वे किया, लेकिन वो लोग जो है वो इस सर्वे से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना ये है कि जिन लोगों का इसमें हकीकत में नुकसान हुआ है उनको बाकायदा किसी तरह की यहाँ पर मदद नहीं मिली है, और जिन लोगों को कम से कम नुकसान हुआ है या जिनका नुकसान ही नहीं हुआ है उनको भी इसमें मदद मिल गई है। इस बात को लेकर ये लोग चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि प्रशासन के कर्मचारियों ने सर्वे करते हुए कहीं ना कहीं उनके साथ एक तरह से धोखाधड़ी की है। इन लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन जल्दी ही अपनी गलतियों को दुरुस्त करेगा और इन्हें इंसाफ दिलाएगा। इन बीसीएन न्यूज के लिए दिगरस से जुबैर खान। नाल साहब, इनकी सवारी तथा हजारों सवारियों को देखने हजारों जनसमूह उमड़ पड़ा था। अमरावती जिले के वरुण तालुका अंतर्गत अमनेर शरीफ में इस वर्ष
50,000 से भी ज्यादा जनसमूह के बीच उत्साहपूर्ण वातावरण में उर्स तथा इस आमनेर में करीब 150 दरगाह शरीफ होकर जलालुद्दीन बाबा अन्न बाबाओं की मजार होकर हजारों जनसमूह आशीर्वाद पाते हैं। हिंदू मुस्लिम यहाँ मोहर्रम का उत्सव जो विदर्भ में प्रसिद्ध है, जो साल में एक ही बार होता है, जिसके लिए भारी जनसमूह उमड़ पड़ता है, यह उल्लेखनीय है। कुही तहसील में तितूर जिला, जो तितूर मंडल का एक घनी आबादी वाला गांव है, यहाँ के लोगों के लिए नागपुर जाने का मुख्य मार्ग कुचाड़ी मोहाड़ी खालसना पिपरी है। इस मार्ग पर कुचड़ी मोहाड़ी के बीच एक बड़ी जलधारा है, जिसे ढोरिया पोरिया के नाम से जाना जाता है। बुधवार और गुरुवार को हुई भारी बारिश के कारण गांव जोड़ने वाली सड़क पानी के कारण पूरी तरह बंद हो गई। गांव के लोग गांव में ही फंस रहे हैं, जबकि गांव छोड़कर चले गए लोग वहां गांव नहीं आ सके। ग्रामीण कई वर्षों से इस पुल को ऊंचा करने की मांग कर रहे हैं। मोहाड़ी गांव कामठी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक कोने वाला गांव है, जबकि उमरेड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव है। कुछ साल पहले यह गांव कामठी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था, लेकिन विधानसभा क्षेत्र में बदलाव के कारण अब यह गांव उमरेड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन यह गांव एक छोर पर होने के कारण नागरिकों का आरोप है कि इस गांव की उपेक्षा की जा रही है। बारिश मध्यम होने पर भी शहर और गांव के बीच संपर्क टूट जाता है, गांव के लिए जरूरी आपातकालीन सेवाएं बंद हो जाती है। गांव से शहर जाने वाले छात्र गांव छोड़ नहीं पाते, सैकड़ों नागरिक शहर जाते हैं काम के लिए, लेकिन पानी की वजह से उन्हें गांव में ही रहना पड़ता है। गांव के नागरिकों की मांग है कि ऊंचाई बढ़ाई जाए। गावाची परिस्थिति खूब बिकट है, एक गाँव है आणि गावाच्या सभोवताल ही नदी गेलेली आहे। आपण नदी म्हणण्यापेक्षा नाला आहे, गावातील नाला, याला आम्ही खडकी म्हणतो, त्या साइडच्या नाल्याला उतानी म्हणतो। एवढूसा जरी शिरवा आला पावसाळ्यात, या पावसाळ्यात हा पहिला पूर आहे, रानपूर आलेला आहे, लोकांच्या शेतात पाणी गेलं, पण मागच्या वर्षी जवळपास 10-12 पूर झाले। आता ही जी लेवल आहे तुम्ही बघितली, थोडा 5 मिनटं शिरवा येऊ द्या, पूर्ण पुलाच्या वरतून पाणी जातं। जे मुलं नागपूरला नोकरीला जातात, शिक्षणाला जातात, ते त्याच साईडनी, गावात एखादा पेशंट एखाद्याला अटॅक जरी आला तो जागेवर मरेल, पण त्याला आपण दूर नेऊ शकत नाही, दवाखान्यात नेऊ शकत। नागपूरपासून हाकेच्या अंतरावर गाव आहे, पण इथे सुविधा कोणचीही नाही आहे। आमची ओरड आहे दरवर्षी की हा पूल आपण वाढवावा। अरुंद छोटा असा पूल आहे, तुम्ही बघितलं नदीत नाल्यात उतरलो, कमरीभर पाणी आहे, एक पायली आहे फक्त, याला आपण कॉलम देऊन वरती करावा। आमदार असेल, खासदार असेल, आम्ही प्रत्येकाला निवेदन देऊन झालेलं आहे, आजच्या पेपरमध्ये पण याबाबत न्यूज आलेली आहे। आधी आम्ही कामठी विधानसभेत होतो, त्यामध्ये पण आमचा शेवटचा कोणता, आता उमरेड विधानसभेत आहोत, त्यातही शेवटचा कोणता। आम्ही असं नेहमीच म्हणतो का अंधारलेला कुई तालुका, त्यातल्या त्यात मागासलेलं तितूर सर्कल, तितूर सर्कलमधलं आमचं गाव नागपूर इथून 15 किलोमीटर। तर ह्या नाल्याच्या पाणी येण्याजाण्यासाठी बहुत तकलीफ होते आमच्या गावाला, आणि पाणी पाऊस आला तर त्या तिथपर्यंत भरते, म्हणजे येण्याजाणं पूरं बंद होऊन जाते। तर तकलीफ आहे लोकांना, आमच्या गावच्या पेपरवाले मुलं आहेत, काही पेपरवाले आहेत, काही शिक्षणवाले मुलं आहेत, त्याच्यानं म्हणजे खूप अडचण आहे आमच्या गावाला। पा म्हणजे 20 वर्ष झाले, 15-10 वर्ष झाले सुधीर पारवे राहिले, त्यांनी तर नाला जिंदगीत पाहिलाच नव्हता, त्यांनी पाहिला नव्हता, तो ओलांडून आले नाही हे समजून जा। आमच्या गावात आलेच नाही अजूनपर्यंत, म्हणजे नाला नाही पाहिला तर आले नाही। आणि सुधीर राजूभाऊ पारवेनं सांगितलं का ठीक आहे 4 महिन्यात आम्ही काम चालू करून टाकू, पण तरी ते आले नाही, आले होते नाला पाहिले, पूर पाहून गेले, ते पाणी होतं नाल्याला माणसाच्या वरतं, ते पाहून गेले, त्याने समस्या नेली। हां, आमच्या गावामध्ये एक बुढी पडली होती, मेली, त्याच्यामध्ये तिला गावाच्या टाकाने नाही नेऊ शकलो आम्ही, क्या मॉनसून पिकनिक हंगामा शीतीर्थ में। बुलढाणा जिले के मलकापुर शहर से गुजरने वाले राजमार्ग संख्या 6 पर लक्ष्मीनगर उड्डान पुल पर 2 वाहनों के बीच आमने सामने टक्कर हुई। यह घटना 29 जुलाई की सुबह करीब 3 बजे हुई है। इस टक्कर में 6 यात्रियों की मौत हो गई है। इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट यह है कि MH 8-94-98-35-40 तीर्थयात्री को लेकर अमरनाथ से हिंगोली की ओर तीर्थयात्रा पर जा रही थी, जबकि MH 27-BX-44-66 जिसमें 25-30 यात्री सवार थे, नागपुर से नासिक जाते समय मलकापुर शहर से गुजरने वाले राजमार्ग संख्या 6 पर आमने सामने की टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में 6 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है, इसीलिए दोनों यात्राओं में 20 से 25 यात्री घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी मिलने पर नगर PN दासरखेड,
एमआरडीसी के पुलिस निरीक्षक अशोक रत्न पारखी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ घटनास्थल पर गए और राहत कार्य शुरू किया। घायलों को समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने के कारण पुलिस इंस्पेक्टर अशोक रत्न पारखी ने मानवता दिखाते हुए घायलों की जान बचाने के लिए उन्हें पुलिस वाहन से मलकापुर उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्रारंभिक जानकारी है कि घायलों की हालात गंभीर होने से बुलढाणा भेज दिया गया है, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। पुलिस अधीक्षक सुनील कड़ासेन, उप विभागीय पुलिस अधिकारी गौले ने घटनास्थल का दौरा किया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के अभिषेक पान, सीबीसी न्यूज नागपुर। शिव तीर्थाना, हमारा पता उमरी डैम सामने नागपुर। आज के बुलेटिन में वक्त चला यही रुकने का। ताज़ा खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।